हेलो दोस्तों दोस्तों, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स दो ऐसी प्रॉब्लम हैं जिससे हर कोई परेशान होता है। स्पेशली गर्मी का सीज़न आ गया है तो गर्मी में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं लोगों के, स्पेशली यंगस्टर्स जो होते हैं या फिर टीन एजर्स जो होते हैं इन लोगों में, और मेरे भी बनते रहते हैं नोज़ पे, चिन पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। तो आप भी अगर इससे परेशान हो तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, महज 2-3 मिनट्स में आप इसे परमानेंटली रिमूव कर सकते हो। बहुत ही ईजी टिप्स बताने वाला हूँ तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसमें जो लगेगा वो है ब्रश, जो टूथब्रश होता है, और कॉलगेट और नमक, ये तीन चीज है। इसकी सहायता से हम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को लाइव डेमो के साथ रिमूव करेंगे। आज मेरे खुद के ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो के द्वारा आप सबको दिखाऊं कि मैं तो उम्र रिमूव करता रहता हूं, इसी तरह से मैं इन्हें रिमूव करवाने के लिए ना तो इनको नोचता हूं, ना ही पार्ली सैलून में जाके इसे रिमूव करवाता हूं। घर में ही इजी टिप्स हैं जिसके द्वारा आप इसे रिमूव करवा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। बेनिफिट इससे ये होगा कि एक तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगेगा, बाहर जाने का जो सैलून पे जाते हो वो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो नहीं लगेगा। दूसरा, ये नेचुरल है, इससे करने से बार बार रिकरेंट जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है वो बार बार नहीं आएंगे। और तीसरी बात, सबसे ये नेचुरल चीज़ है, इससे इन्फेक्शन का डर बिल्कुल नहीं रहता, बहुत ही सेफ है। तो पहले हम फेस से किसी भी नॉर्मल क्लिंजर से या क्लिंजिंग मिल्क से अपने नोज़ को, जहाँ भी अपने ब्लैक हेड्स या फिर ये वाइट हेड्स रिमूव करने हैं उसे साफ करेंगे। उससे पहले मैं अपनी नोज की कंडीशन दिखा देता हूँ। मेरे नोज पे इस वक्त काफी ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं, आपको नहीं दिख रहा था, मैं पास में आके दिखा देता हूँ। ये देखिए, काफी सारे ब्लैक हेड्स मेरे नोज पे मौजूद है, इस साइड भी ब्लैक हेड्स हैं, और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा वाइट हेड्स हैं, यहाँ पे भी वाइट हेड्स हैं, और यहाँ भी कॉर्नर पे वाइट हेड्स हैं जो आपको दिखता नहीं है। ये वाइट हेड्स आपको क्लियर दिख रहे हैं, जिसको कील मुहासे बोल देते हैं। पहले हम नॉर्मल क्लिंजर से क्लीन करेंगे, ये नॉर्मल क्लींजर है, क्लींजिंग मिल्क है, इससे हम क्लीन करेंगे, ठीक है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है। क्लीन करने का पर्पज़ होता है कि आपकी जो नोज़ के अंदर डस्ट है, मेल है, ये जो है डस्ट है, मेल है, और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्स्ट्रा पोल्यूशन से अगर ग्रसित है, तो सारा कुछ साफ़ हो जाएगा, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, आपने अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद दोस्तों, हमने सिंपल सा स्टेप्स है, ब्रश लेना है जिससे हम दांत साफ करते हैं। ये बिल्कुल मैं न्यू ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि हाइजीन का बहुत ध्यान रखना की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे ज़रूरत है हाइजीन की, क्योंकि बात है फेस की, ब्यूटी की। और इसमें आपने थोड़ा सा, थोड़ी सी मात्रा में आपने यहाँ पर पेस्ट लेनी है, इतनी सी पेस्ट ली है। ये मैंने मिसवाक ली है, लेकिन मिसवाक कोई मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मिसवाक ही लेनी है, आप कोई भी घर में हमने हमारी जो भी आप पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, या जो भी आप यूज़ करते हो, वो थोड़ी सी पेस्ट लेनी है, और उसमें थोड़ा सा चिमटी भर नमक लेना है दोस्तों। ये चिमटी भर नमक इस पर डाल देंगे, और डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको हल्के हल्के हाथों से अपने नोज़ पे, या फिर जहाँ भी ब्लैक हेड्स हैं, जहाँ भी वाइट हेड्स हैं, वहाँ पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है इसे। इस तरह से जब आप मसाज करोगे तो देखोगे एक बार में आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे, और नेचुरल तरीके से रिमूव होंगे दोस्तों। यहाँ पर मेरे पिम्पल है इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, ये कल ही नहीं पिम्पल निकल गया था, पिंपल का भी मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। इस तरह से मसाज करते रहना है, महज 2 मिनट आपने मसाज करनी है दोस्तों, ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा रगड़ना नहीं है दोस्तों, ये बता दूं मैं। ये आप सिर्फ चिक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ लोगों के हो जाता है। इस तरह से मसाज करनी है, जैसे आपको ड्राई महसूस हो तो आप इसमें पानी ले सकते हो, थोड़ा सा पानी आप ले सकते हो ताकि ड्राई ना हो, ताकि ब्रश चलाने में ईजिली आपको रहे। दो मिनट होने के बाद इसको आपने वॉश करना है पानी से। मेरे 2 मिनट कंप्लीट हो गए और मैंने इसे वॉश कर लिया। इसके बाद आपने हल्के हाथों से, टॉवल से या फिर हैंकी से वो साफ करना है। और ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, देखो कितने ज़्यादा ब्लैक हेड्स है, वो सब रिमूव हो गए हैं, ये देखिए एकदम क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े वाइट हेड्स है, ये देखो निकले हुए हैं आराम से। तो ये नेचुरल है दोस्तों, बिल्कुल वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बिल्कुल 2-3 मिनट्स में रिमूव हो जाते हैं दोस्तों। तो उसके बाद हम सिंपल एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ करनी है, मैं बोरोलिन यूज़ कर रहा हूँ,
क्योंकि मुझे अच्छी लगती है ये बोरोलिन क्रीम फेस के लिए, एंटीसेप्टिक के लिए। अब मैं इसे नॉर्मल एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ कर सकता हूँ। होता क्या है दोस्तों, इससे नमक जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है और हमारे जो नोज़ पे या बॉडी में कहीं या फिर स्किन पे फेस पे जहीं भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स बनते हैं, ये कील मुहासे बनते हैं, ये हमारे जो ऑयल ग्रंथियां होती है स्किन की फेस की, ऑयल ग्रंथियों में डस्ट पड़ने से, पोल्यूशन जाने से उसके साथ वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है और वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करके वहाँ पे पस बना देता है और वही पस और सीबम के साथ मिलके वहाँ पे कील मुहासे बना देता है, ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स बना देते हैं। तो इससे आपके जो है पोर्स हैं बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, अंदर के जो जमा हुआ डस्ट है वो रिमूव हो जाएगा, डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश स्किन आपकी रिमूव हो जाएगी। देखिए नोज़ मेरे चमकने लग गया, नाक पूरी तरह से चमकने लग गया, ब्लैक हेड्स बिल्कुल रिमूव हो गए, वाइट हेड्स बिल्कुल रिमूव हो गए। ये देखिए मुझे नोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे क्या होगा ना तो निशान रहेंगे ना मुझे एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, घर पे ही अप्लाई कर दिया मैंने। दोस्तों बता दूं ये आपको रात को अप्लाई करना चाहिए, हफ्ते में एक या दो बार, क्योंकि इससे अप्लाई करने के बाद आपको धूप में नहीं निकलना और अप्लाई करने के बाद तुरंत बाद आपको मिट्टी में नहीं जाना, तो इतनी गर्मी में धूल मिट्टी तो रहती है बाहर, इसलिए रात को अप्लाई करके सुबह उठोगे तो आपको जो नोज़ है आपकी जो स्किन है बिल्कुल फ्रेश और एकदम खिली खिली बहुत ही स्किन आपको नज़र आएगी। तो बहुत ही इजी सा स्टेप्स है आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आपको पार्लर या सैलून में जाकर रिमूव करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही इससे कोई निशान रहेंगे दोस्तों। तो इसी तरह की वीडियोज़ हम हमारे चैनल में देते रहते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, हेयर टिप्स से रिलेटेड, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड और हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड किसी भी तरह की इंक्वायरी चाहते हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और मुझे कमेंट में ये बात ज़रूर बताइए दोस्तों कि आप भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ब्लैक हेड से या वाइट हेड से ग्रसित हुए हो या नहीं। अगर हुए हो तो हाँ करके कमेंट में बताइए, अगर नहीं तो ना करके बताइए। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगे, थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।